हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सानू। आज मैं आपको एलोवेरा हेयर ऑयल कैसे बनाना है और इसे यूज कैसे करना है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा लीव, कोकोनट ऑयल, मेथी के दाने, ब्लैक अनियन सीड्स एंड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और इसके साथ हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। तो आइए अब हम ऑयल बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हम लेंगे एक घर में यूज की जाने वाली बर्तन। इसमें डालेंगे लगभग 4 टेबलस्पून के लगभग कोकोनट ऑयल, 4 या 5 काली मिर्चें, 1 टीस्पून अनियन सीड्स और 1 टीस्पून मेथी दाने। सबको लेकर हमें मिला लेना है। इसके बाद हम इसे गर्म कर लेंगे। हम इसे डायरेक्ट गैस पर नहीं चढ़ाएंगे बल्कि इसे डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करेंगे। इसे गर्म करने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ। इसे गर्म करके इसमें पानी डाल देंगे। हम इसमें इतना पानी डाल देंगे जितने में हमारा ऑयल वाला बर्तन अच्छे से इसमें बैठ जाए। इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक एलोवेरा एलोइस कलर में नहीं हो जाता। इसको बनाने में आपको लगभग 30 या 45 मिनट का टाइम लग सकता है। हमारा ऑयल अब रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे। और जब यह हल्का ठंडा हो जाए, पूरी तरह से ठंडा नहीं, हल्का ठंडा हो जाए, तब हम इसे छान लेंगे। और हाँ गाइस, आप मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब भी मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। छानने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें। कैस्टर ऑयल स्कैल्प को मॉइस्चर करने में, डैंड्रफ को कम करने में और बालों को शाइनी और सिल्की करने के लिए जाना जाता है। कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए हम इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करेंगे। इसे जब स्कैल्प में अप्लाई किया जाता है तो यह बालों के रूट्स को हेल्दी बनाता है और बदले में बालों के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, साथ ही बालों को झड़ने से बचाता है। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बालों को फिर से उगाने में बहुत ही यूजफुल होता है और बालों में हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। और इस वार्म ऑयल को हम अपने सर पे मसाज करेंगे। बालों में तेल डालने से पहले हम अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे ताकि उनमें टैंगल्ड ना रहे। जितना ऑयल हमारे पूरे बालों में लग जाए उतना ऑयल हम ले लेंगे। इसके बाद हम इसे हल्के हल्के हाथों से पूरे स्कैल्प पर मसाज कर लेंगे। एलोवेरा हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, साथ ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो यह इसे भी दूर करता है। इसके साथ ही आपके स्कैल्प के डैमेज हो चुके सेल्स को यह सही करता है और आपके बालों के ज़रूरत के अनुसार उन्हें नरिशमेंट देता है और मॉइस्चराइज रखता है, जिससे हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से आपके बाल ना ही ज़्यादा रूखे रहते हैं ना ही ज़्यादा उनमें ऑयल आती है। एलोवेरा आपके स्कैल्प को रिपेयर करके
आपके बालों को फिर से जीवंत करता है, उन्हें जीवन देता है, जिससे आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, उनका टूटना कम हो जाता है और आपको हेल्दी हेयर मिलते हैं। इसके साथ मेथी के दाने और अनियन सीड्स भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च बालों की रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जिसके कारण बालों में ग्रोथ होती है और हमारे बाल तेजी से लंबे होते हैं। कोकोनट ऑयल के साथ ब्लैक पेपर न केवल बालों को मजबूत बनाता है, साथ ही बालों का गिरना भी कम करता है और इसे मॉइस्चर भी करता है और इसे सूखने या ऑयली होने से बचाता है। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर आपके स्कैल्प को बहुत ही हेल्दी बनाता है, जिससे आपके बाल टूटने कम हो जाते हैं, उनमें ग्रोथ बढ़ जाती है। इस ऑयल को आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हो। ऑयल को हम पूरे हेड में लगा लेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। पूरे बालों में अच्छे से ऑयल लगा लेने के बाद हम हल्के हाथों से इसे मसाज कर लेंगे। हमें 10 मिनट तक इसे मसाज करते रहना है। इस तरह से मसाज करने से आपके हेड में ब्लड फ्लो होगा, जो आपकी रूट्स को मजबूत करेगा और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। मसाज करने के बाद आप इसे 2 घंटे तक रहने के लिए छोड़ दें अपने बालों में। उसके बाद आपको किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। आप माइल्ड शैम्पू ही यूज करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।